देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ में शादी से लौट रहे मऊ के तीन युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तीनों ही एक ही बाइक पे सवार थे और पेड़ से भिड़ंत होने के बाद उनकी मौत हो गई। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में बाइक से जा रहे तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मऊ जनपद के घोसी थाना के करीमुद्दीनपुर के 19 साल के मोहम्मद कलीम अपने बुआ के घर आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना के नवादा में शादी में शामिल होने सोमवार को आए थे। इस दौरान उनके साथ उनके दोस्त कमरुद्दीन निवासी 19 वर्षीय आरिफ और घोसी थाना के मादापुर निवासी 20 वर्षीय फैज तीनों एक ही बाइक पर आधी रात से नवादा से अपने घर के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि मुबारकपुर थाना के ही दरियाबाद पुल के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और भताड़ के पेड़ से बुरी तरीके से टकरा गई, जिससे तीनों ही युवक बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए और रात के समय होने के चलते लोगों को काफ़ी देर से पता चला, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरीके से डिटेल निकालकर उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही मुबारकपुर से घोसी तक कोहराम मच गया। परिजनों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौके पर थाने में पहुंचे। पूरा माहौल शोक में तब्दील हो गया। इस पूरे मामले की जानकारी युवक के चाचा कलीम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। ये इस लड़के जो है उसके बुआ के घर शादी थी, कुछ सामान पहुंचाने के लिए ये सब पहुंचा करके वापस जा रहे थे। घोसी शादी आज है। अच्छा, कहाँ किस मोहल्ले में शादी थी, किस जगह? कहाँ बताया? नवादा में। अच्छा, तो यहाँ से सामान पहुंचा करके ये वापस फिर घोसी जा रहे थे। अच्छा, सुबह में फिर इन लोगों को आना था। कौन कौन बच्चे थे, क्या नाम उनके पिताजी का? नाम बताइए। नाम तो कलीम है। कलीम है। उम्र लगभग? हाँ, एक की 19 साल है, एक की लगभग 20 साल है, एक की उसके भी लगभग 20 साल है। ये एक्सीडेंटल ही केस? हाँ, एक्सीडेंटल ही केस है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। कब की घटना होगी ये? 11-11 बजे रात की घटना है। आप लोगों को पता कब चला? सुबह 5 बजे सुबह भोर में दरोगा जी फ़ोन किए हैं तो बोल के हम ही रिसीव किए हैं, तो बोले हैं कि मुबारक थाने पे आ जाइए, इस तरीके की घटना है।